बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का भिन्न वाले भाग का कार्यपत्रक 4, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 35 पर है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल पे अंग्रेजी और हिंदी के ब्रिज कोर्स के वीडियो भी है, और इसके साथ ही हम 9वीं और 10वीं के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी डालते रहेंगे। तो बच्चों, इन सब के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। 40 का 1/5 है ना बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, 40 का 1/5 भाग करके और यहाँ लिखना है, और ये बहुत आसान से हो जाएगा। देखो, 40, पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि का की जगह हम क्या लिखेंगे, गुणा, है ना। 40 गुणा 1/5 है ना, 40 गुणा 1/5 का की जगह गुणा, है ना। तो अब इसको देखो, 40 के 1/4 कर दिया हमने, है ना। अब हम इसको देखेंगे आपस में कट सकते हैं क्या, हाँ कट जाएंगे। देखो, ये 5 है और 5 के पहाड़े में 40 आता है, तो 5 एकम 5 और 5 8 40, तो कितना आया देखो बच्चों, 8 गुणा 1 = 8/1, मतलब बटा 1 का कोई महत्व नहीं है, तो हम लिख देंगे 8। क्या उत्तर आया, 8। इसी प्रकार अगला है 18 का 1/3 भाग, है ना बच्चों। तो देखो, इसको मैं आपको कॉपी में करके बता देती हूँ, ताकि आपको समझना आसान रहे। 18 का 1/3 भाग, है ना। तो ये हमने लिखा 18, है ना, 18 का 1/3, है ना। 1/3 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 1/3 का की जगह गुणा। देखो, आप इसको 18 के 1/8 लिख देंगे, अभी आपस में कट जाएंगे क्या, हाँ कट जाएंगे। 3 एकम 3 और 3 का 6 बार बोल दिया, 3 6 18, तो कितने आए, 6 गुणा 1 मतलब 6 6 एकम 6 और 1 नीचे तो 1 ही, उसका कोई महत्व नहीं, तो क्या उत्तर आ गया बच्चों, 6। कितना उत्तर आ गया, 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। आप चाहो तो ये यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, 28 का 1/4, है ना, 28 का 1/4, तो ये 28 गुणा 1/4, है ना। अब इसके बटे हमने 1 लिख दिया, 4 एकम 4 4 7 28 कट गए, तो आसानी से 7 गुणा 1 = 7, कितना उत्तर आया बच्चों, तीसरे का 7, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 7, है ना, ये लिख दिया हमने 7, ठीक है। अब देखो, चौथा प्रश्न क्या है, 100 का 10वां भाग, है ना, चौथा क्या है, 100 का 10वां भाग, तो ये 100 और इसका 10वां भाग मतलब 1/10, है ना, 10वां भाग मतलब 1/10, हमने 100 के 1/8 लिख दिया, क्या ये कट सकते हैं, हाँ, 10 के पहाड़े में 100 आते हैं, 10 एकम 10 10 धाम 100, तो कितना आया ऊपर, 10 गुणा 1, देखो बच्चों क्या बचा था, 10 गुणा 1 = 1 गुणा 1, है ना, 1 गुणा 1, ठीक है बच्चों। तो इसको हम सीधा लिख देते हैं, 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 ही आएंगे, और किसी संख्या, हर संख्या के 1/8 तो होता ही है, इसलिए यहाँ 1/8 लिखने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, ना, हर संख्या के 1/8 होता है, यहाँ 1/8 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो उत्तर आया 10, ठीक है। कितना उत्तर आया, 10, तो हम यहाँ लिख देंगे 10, ठीक है। अब अगला जो पांचवा क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, 27 का 1/3, पांचवा क्या है, 27 का 1/3, 27 का की जगह गुणा 1/3, है ना, तो इसके बटे हमने लिख दिया 1, ये कट जाएगा क्या, हाँ देखो, 3 के पहाड़े में 27 आते हैं, है ना, यदि आपने पहाड़े याद नहीं करे तो आपको कर लेना चाहिए, तो 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा 9 बार बोला, 3 9 27, कितने आ गए, 9, है ना, 5वें का उत्तर आया 9। आप चाहे तो ये सारा कुछ किताब में भी लिख सकते हो, यदि आपसे हो जाए तो, 27 का 1/3 का उत्तर आया 9, मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। छठा है 45 का 5वां भाग, छठा क्या है, छठा है 45 का की जगह गुणा 5वां भाग मतलब 1/5, है ना, 5वां भाग मतलब 1/5, 45 के 1/8 लिख दिया, देखो कट जाएगा क्या, 5 एकम 5 5 9 45 = 9 आ गए, है ना, तो ये हो गया 9 कैसे लिख दिया हमने, 9 गुणा 1 था तो 9 एकम 9 हो गया, और नीचे तो 1 ही बचा है ना, इसलिए हमने लिखा इसका उत्तर 9, छठे का उत्तर आएगा 9, ये लिख दिया हमने 9। अब देखो सातवां क्या है, 15 का 1/3, है ना, ये जैसे
हम यहीं पे कर सकते हैं छोटा सा, ये 15 का 1/3, तो 15 के 1/3 लिख दिया, कट जाएगा क्या? हाँ, 3 एकम 3, 3 और 5 15 है ना, तो कितने आए, 5 × 1 = 5, 1/5 ही है बचा है ना, 21 का 1/3। अगला क्या है, 21 का 1/3 मतलब 1/3, 21 के 1/5 लिख दो, 3 एकम 3, 3 × 7 = 21, कितना उत्तर आया बच्चों, 7, कितना आया है 7। ठीक है, ये हो गया है। अब अगला प्रश्न देखो, शोभा के पास 30 बटन हैं, उन्होंने 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दिया, बताएं किसके पास कितने बटन हैं। तो शोभा के पास पहले कितने बटन थे बच्चों, 30 थे है ना, तो 30 में से शोभा के पास कितने बटन थे, देखो हम लिखेंगे शोभा के पास कितने बटन हैं, शोभा के पास तो 30 थे, अभी शुरुआत में 30 थे, उसने करीम को दिए कितने, उन्होंने 1/5 भाग करीम को, तो करीम को कितना दिया, करीम को 30 का 1/5, क्योंकि 30 थे ना उसके पास, 30 का 1/5 करीम को दे दिया। ठीक है, और 1/3 भाग जावेद को दिया, तो जावेद को कितना दिया, देखो जावेद को 30 का 1/3 भाग दिया है ना, 30 का 1/3 भाग दिया, तो देखो करीम के पास कितने होगा, हम इसको हल कर लेंगे है ना, तो 5 एकम 5, 5 × 6 30, 6 × 1 = 6, कितने आए करीम के पास, 6, और जावेद के पास देखो 30 × 1/3 है ना, तो 3 एकम 3, 3 × 3 = 30, कितने आए बच्चों, 10 है ना, 10 × 1 बच्चा तो 10, तो करीम के पास कितने बटन हो गए, 6, जावेद के पास 10 है ना, तो शोभा के पास कितने बचेंगे, अब हमें तो कुल में से बताना पड़ेगा ना, देखो करीम के पास 6 है तो हमने 6 लिख दिए है ना, जावेद के पास 10 है तो हमने 10 लिख दिया, अब शोभा के पास कितने बचे, तो हम क्या करेंगे, ये कितने हुए, कुल कितने बटन थे बच्चों, 30 थे है ना, कुल कितने बटन थे, 30, 30 में से उसने कितने दे दिए, 10 और 6 = 16 बटन दे दिए, तो कितने बचे, 10 में से 6 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, 14 बटन, तो शोभा के पास कितने बच्चे, 14 है ना, 14 शोभा के पास से, 6 करीम के पास, जावेद के पास 10, तो ये हो चुका है पूरा। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में है, इन्हें चित्रों द्वारा दर्शाएं, तो पहला है 18 का 1/6, तो 18 का 1/6 मतलब क्या होगा, 18 × 1/6 है ना, इसको हल कर लेंगे तो क्या होगा, देखो इसके बटा 1, 6 एकम 6, 6 × 18 कितना आया बच्चों, 3, 3 × 1 = 3, नीचे तो 1 ही बचा, तो 18 का 1/6 के लिए आप यहाँ करोगे 18, हमें क्या करना पड़ेगा कि 18 कालम बनाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 है ना, 18 में से कितने, 3, तो 3 पे हम गोला लगा देंगे या कलर भर देंगे, तो ये हो गया 18 का 1/6 है ना बच्चों, क्या हो गया 18 का 1/6 बराबर होता 3, तो 3 खंड में हमने रंग भर दिए है ना, तो इस तरह से हो गया 18 का 1/6, और बाकी के आप कॉलम आप बनाना, देखो 60 का 10वां भाग, तो ये हो गया 60 का की जगह गुणा 10वां की जगह 1/10, अब देखो ये कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 × 60 तो कितने आए, 6, तो यहाँ पे हमें कितने बनाने पड़ेंगे बच्चों, 60, 60 में से 6 पे आप कलर भर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे आप, 6 पे कलर भर दोगे ना, इसको दो तरीके से किया जा सकता, आप जैसे 60 का 10वां भाग है ना, या तो हम सीधे 6 ही गोले बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 6 चौकोर बना दे, या फिर आप 60 बनाओ है ना, 60 में से आप 6 पे क्या कर दोगे, कलर कर दोगे, तो वो हो जाएगा 60 का 10वां भाग, ठीक है बच्चों। अब 48 का 1/6, तो 48 × 1/6 इसके बटा 1, 6 एकम 6, 6 × 8 = 48, तो कितने आए बच्चों, 8 है ना, तो यहाँ पे आपको कितने बनाने हैं, 48, उसमें से 8 पे क्या करना है, रंग भरना है ना, 8 पे क्या करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे रंग भर दोगे, और आप 48 कॉलम बना लोगे, तो वो हो जाएगा 48 का 1/6, कितना होता है, 8 होता है ना। अगला है 20 का 1/5, तो 20 का की जगह गुणा और 1/5, ये लिख दिया हमने 20 के 1/2, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, 5 एकम 5, 5 × 20 कितना आया बच्चों,
चार। तो आप क्या करोगे, 20 गोले या 20 चौकोर बनाओगे और उसमें से चार में रंग भर दोगे, तो वो हो जाएगा 20 का 1/4। कितने में रंग भरोगे, चार में, 1, 2, 3, चार में रंग भर देना, तो हो जाएगा 20 का 1/5। उसी प्रकार है 48 का 8वां भाग, तो 48 का 8वां भाग मतलब 1/8। देखो कट सकता है क्या, हाँ, 8 × 48 बराबर आया 6, है ना, 6 आया है। तो आप क्या करोगे, 48 चौकोर बना के 6 में क्या कर दोगे, रंग भर दोगे, है ना। कितने में रंग भरोगे, 6 में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में रंग भर दोगे, है ना। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 64 का 1/8, है ना, कट जाएगा क्या, हाँ, इसके बट्टे एक लिख दिया, 8 × 8, 8 × 64 कितना आया बच्चों, 8, है ना, 8 ही आया ना, ऊपर तो बस अब एक एक बच गया है और 8 बचे हैं, तो 8 है। तो आपको 64 कालम बना के 8 में रंग भरना, और यदि नहीं आया तो फिर 8 ही कालम बना दो, 6, 7 और 8 कालम बन गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कार्यपत्र पूरा हो चुका, हमने यहाँ जो दे रखा है उसको भिन्न के रूप में बदल लिया है और ऊपर वाला भी कर लिया है।